बहुत खुश हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि कहीं पे क्रिएटिव फ्रीडम ना मिले ना, तो एक इंसान एक ढंग की फिल्म नहीं बना पाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे अभी भी हम लोग इतना अजीब लगता है, हम लोग शूट करते वक्त सोचते नहीं यार ये नहीं कह सकते, यार नहीं ये नहीं कह सकते, नहीं नहीं ये नहीं कह सकते। तो आई थिंक कहीं पे एक फिल्म को फिल्म के हिसाब से देखना चाहिए और वो फ्रीडम देना चाहिए यार। आई थिंक इन द एंड इट्स बीन रिलीज्ड एंड इट्स बीन रिलीज्ड ऑन द ऑन फ्राइडे एज इट वाज सपोज्ड टू, सो आई थिंक दैट्स ग्रेट एंड आई थिंक द डायरेक्टर इज ऑब्वियसली वेरी वेरी पैशनेट अबाउट द सब्जेक्ट ही चोजन एंड आई थिंक ही इज रियली डन जस्टिस टू इट। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म एंड दे रियली डन। एक फिल्म जो हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है, मुझे समझ में नहीं आया कि हमारे CBFC मेंबर्स को क्या हो गया था, कितने 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 पीछे रह गए वो। हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए एक वेकअप कॉल है, इट्स अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड अ मोस्ट रेलिवेंट फिल्म, आउटस्टैंडिंग। शायद डायरेक्टर आलिया, करीना, एवरीवन आउटस्टैंडिंग। आई थिंक नहीं होना चाहिए था ऐसा। द सेंसर बोर्ड शुड बी अ सर्टिफिकेशन बोर्ड, नॉट अ सेंसर बोर्ड। एंड it's really sad that in 2016 we are still struggling to let artists freely create what they want to create. ha santosh hai, relief hai, khushi to ab tab hogi jab audience picture dekhe aur pasand aaye. bade dukh ki baat hai ki picture leak ho gayi hai. ab iske bare mein to kehna galat hoga ki kya kahan se leak hui hai, kisne kiya hai, hame pata nahi hai. ये बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा। बहुत ही रिलीव्ड है। इनफैक्ट हम शुक्र गुजार हैं इन प्रोड्यूसर्स के कि उन्होंने ये मसला कोर्ट तक लेकर लड़ा, क्योंकि ये हम सबके लिए एक विक्ट्री था, हम सबके लिए जीत थी कि फिल्म मेकर्स को अपनी फिल्म अपनी तरह से ऑडियंस के सामने पेश करने का मौका मिला। मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क होने वाला है, फिल्म कल लगने वाली है और जिनको फिल्में थिएटर में पसंद आती है वो तो देखेंगे ही, और इतनी बढ़िया फिल्म, इतनी मतलब अवेटेड फिल्म है, तो आई एम थिंकिंग पॉजिटिव।